साउंड एक सेवन एक्शन। भाइयों और बहनों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जब बाय रोड आ रहा था, तो भैया सुना, आजकल मोदी जी बाई रोड हेलीकॉप्टर लेकर रैली करने जाते हैं। लल्लन भैया, यही सुनकर तो कल से मैं बड़ा उत्सुक हूँ। जल्दी से जल्दी मोदी जी हमारे यहाँ भी बाई रोड हेलीकॉप्टर से रैली करने आए और नाले की गैस के बाद हम लोग इस बड़ी उपलब्धि के लिए उन पर फूल बरसाएं। और लल्लन भैया, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर मोदी जी बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चला रहे हैं। लेकिन ये तो अब पता चला कि इनके दिमाग में एक अलग ही लेवल की टेक्नोलॉजी चल रही थी। वैसे लल्लन भैया, अब इस खुशी के मौके पर मैं भी बाई रोड नाव लेकर बनारस खाने जाऊंगा पान, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में हमसे पीछे छूट गए अमेरिका, चीन, जापान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भैया। इस सरकार की यही तो एक खासियत है, इसमें लोग भले ही महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लेकिन मनोरंजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। क्योंकि पहले रोड पर केवल एम्बुलेंस आया करती थी, लेकिन अब तो हेलीकॉप्टर भी आ गया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि अब की बार ये लोग भी बाई रोड ढोल लेकर अपनी चाय की दुकान पर पहुंच जाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए, जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भैया, 2014 में आजाद होने वाली कंगना रनौत का ज्ञान सुना, देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लल्लन भैया, यही सब सुनकर तो कल से मुझे जोरों की हंसी आ रही है, क्योंकि बताओ, इतना बड़ा गहरा राज हम लोगों को अब पता चल रहा है। और लल्लन भैया, ये सब सुनने के बाद तो मोदी जी के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं का भी सर चकरा गया होगा, क्योंकि इन लोगों को भी शायद नहीं पता था कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। वैसे लल्लन भैया, शुक्र है इन्होंने अकॉर्डिंग टू द 2014 ये नहीं बोला कि देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भैया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले महाज्ञानियों का यही तो कमाल है, ये बिना जानकारी बिना लॉजिक का सारा कचरा लोगों के बीच परोस देते हैं और फिर इनकी ही किरकिरी हो जाती है। वैसे भैया, ये सुनकर तो सबसे ज्यादा अखंड लेवल वाले अंधभक्त सदमे में हैं, क्योंकि ये कल तक हर चीज के लिए नेहरू को बताते थे जिम्मेदार, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर कंगना दीदी ने सब कर दिया बेकार।